यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर बन तारी यमुना यमुना तीर बन तारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल 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 गौर हरि गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 3 तस्माद् भवन्त मम संशयार्थम् पश्यामि पश्चात् अधुना सुबोधम् आध्यात्मयोग ग्रथितं तो वाक्तम् आख्या ही कौतूहलते तो सोमे तस्माद् भवन्त मम संशयार्थम् पक्षामि पश्चात् अधुना सुबोधम् आध्यात्मयोग ग्रथितं तो वाक्तम् आख्या ही कौतूहलते तो सोमे तस्माद् भवन्त मम संशयार्थम् पक्षामि पश्चात् अधुना सुबोधम् आध्यात्मयोग ग्रथितं तो वाक्तम् आख्या ही कौतूहलते तो सोमे तस्माद् भवन्त मम संशयार्थम् पश्यामि पश्चात् अधुना सुबोधम् आध्यात्मयोग ग्रथितं तो वक्तम् आख्या ही कौतूहलते तो सोमे तस्माद् भवन्तं मम संशयार्थम्
पश्यामि पश्चात् अधुना सुबोधम्। आध्यात्मयोग ग्रथितं तो वक्तम् अख्याहि कौतूहलते तो शब्दार्थ तस्मात् अतः भवन्तम् आपको मम मुझको संचय अर्थम वे विषय जिसका अर्थ मुझे ज्ञात नहीं। पृच्छामि कहूँगा पश्चात बाद में अधुना इस समय सुबोधम सरलता से समझ में आ जाने वाला बोधगम सरलता से समझ में आने वाला बोधोगम्य आध्यात्म योग आत्म साक्षात्कार हेतु योग शिक्षा का ग्रथितम रचित तब तुम्हारी उक्तम वाणी पाणी वचन आख्याही पुनः विस्तार से समझाइए कौतूहल चेतसाह ऐसे उत्कंठा से पूर्ण कथन में मर्म को समझने के लिए जिसका मन अत्यंत उत्कृष्ट है मैं मुझको अनुवाद लिखा गया भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा आप सुनिए। यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएँ रह गई है तो मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो गुड़ योग के उपदेश दिए हैं उनके समझ पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहे जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरे मन अत्यंत उत्सुक है और मैं इस भोली भांति समझ लेना चाहता हूँ। तात्पर्य लिखा गया भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। वैदिक साहित्य का उपदेश है तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। बुद्धिमान व्यक्ति को दिव्य विज्ञान तत्व अच्छी प्रकार जान लेने के लिए परम उपयुक्त जिज्ञासु होना चाहिए। इसके लिए उसे गुरु के निकट जाना चाहिए। यद्यपि जड़ भरत ने महाराज रघुगुण को प्रत्येक वस्तु विस्तार से समझा दी थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बुद्धि उसे समझने में पूर्ण समर्थ ना थी। अतः उसने आगे विवेचना के लिए प्रार्थना की, जैसा कि भगवद्गीता चतुर्थ अध्याय 34 श्लोक में कहा गया है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। विद्यार्थी को चाहिए कि गुरु के निकट पहुंचकर पूर्ण समर्पण कर दे प्रणिपाते न। उसे चाहिए कि उसकी उपदेश समझने के लिए वह प्रश्न भी पूछे परिप्रश्न न। उसे चाहिए कि गुरु को न केवल समर्पण करे वरन उसकी प्रेम पूर्ण सेवा करे सेवया, जिससे गुरु प्रसन्न होकर उसे दिव्य विषय को ठीक से समझा दे। यदि कोई वैदिक उपदेश को गंभीरता से सीखना चाहता है तो गुरु से स्पर्धा नहीं रखनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता त्रिविशाखानीतं स नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे।
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब प्रथम मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग सब भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से आप बढ़े चढ़े हैं। आप लोग मेरे से ज़्यादा शिक्षित हो, मेरे से ज़्यादा एडवांस हो, और आपके सामने तो मैं मूर्ख जैसा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे यहाँ पर भगवान की कथा कहने के लिए जो मौका दिया है, इसलिए मैं आपको कृतज्ञ रहता हूँ। तो इस श्रृंखला जो चल रहा है जड़ भरत और रहुगुण के बीच में जो वार्तालाप, पिछले अध्याय में उन्होंने कुछ बताया था आत्म साक्षात्कार के ज्ञान, उस ज्ञान उनसे फिर सुनना चाहा। इसी श्लोक में प्रभुपाद महाराज लिख रहे कि आप रहुगुण बोल रहे कि आप दोबारा मुझे ठीक से समझाइए आत्म साक्षात्कार की ज्ञान, क्योंकि फिर से मेरे जो पिछले अनुभव हो मेरे उदय ना हो, इसीलिए मुझे फिर से बताइए। इस श्लोक की तात्पर्य बताया गया है। प्रभुपाद महाराज ने तात्पर्य में लिखा है कि मनुष्य को किसी तथ्य को समझने के लिए, भागवत तथ्य को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यकता है। और भगवत गीता के श्लोक में बताया कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यकता है। भागवतम के श्लोक से बताया कि गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए, उनको प्रश्न पूछना चाहिए। इस प्रकार रूपाद महाराज ने बताया है। तो हमारी गोष्ठा में लोगों ने जो भी ग्रंथ लिखा है उसमें ज़्यादा महत्व गुरु को दिया है, तो हमें भी उस लाइन पे उस प्रथा को पालन करने से हम हमारी जो अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। से परम बंधु से पिता माता से परम बंधु से पिता माता दो ताल बजाई से परम बंधु से पिता माता से परम बंधु से पिता माता श्री कृष्ण चरण जेई प्रेम भक्ति दाता श्री कृष्ण चरण जेई प्रेम भक्ति दाता सर्व जन्मे से जीव पिता माता पाए सर्व जन्मे से जीव पिता माता पाए कृष्ण गुरु नहीं मिली बुझी हिया कृष्ण गुरु नहीं मिली बुझी हिया ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव ब्रह्मांडे गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज गुरु कृष्ण
তাতে গুরু সেবা করে কৃষ্ণের ভজন তাতে গুরু সেবা করে কৃষ্ণের ভজন মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতা মাতা শ্রীকৃষ্ণ চরণে যাই প্রেম ভক্তি দাতা জিস মনুষ্য নে ভগবান কৃষ্ণ কি ভক্তি করনে কে লিয়ে হামকো हमारी जिम्मेदारी लिया है वो हमारी परम बंधु है वो माता है पिता है और हमारी सब कुछ है सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जी प्रेम भक्ति दाता सकल जन्मे सर्वजीवो पिता माता पाए कृष्ण गुरु ना ही मिली बुझी हो ही आए हर एक जन्म में जीवात्मा प्राणी हो या कोई दूसरे योनि में हो उसको माता पिता मिल जाते हैं लेकिन कृष्ण भगवान कृष्ण और गुरु नहीं मिलते हैं इसीलिए कृष्ण जो गुरु जिनको मिल गया है उनको भाग्यवान समझना चाहिए जिसकी सकल जन्मे सर्वजी पिता माता पाय कृष्ण को नहीं बुझियो हिया हिया मतलब मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय को हिया कहा गया है ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसद पाए भक्ति लता बीज ब्रह्मांड भर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चक्र में घूमते हुए संसार चक्र यतास्मिन जंतुर अज्ञान मोहित भ्रम्यम सुखम च दुखम च भुंगते सर्वत सर्वदा तो इसी चक्र से छूटने के लिए केवल गुरु ही हमारे आश्रय है तो इस श्लोक में जड़ भरत महाराज को रहुगुण ने बताया कि आप मुझे पूरा डिटेल्स में बताइए जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार की ज्ञान होने की बात मुझे भगवान के पास जाने की मौका मिल जाएगा इसमें बताया गया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब 12 साल की उम्र में जब उन्होंने गया यात्रा किए तो वहाँ पर उनकी गुरु के साथ उनकी दीक्षा मुलाकात हुआ इस पर पूरी उसके बाद जब उनकी छात्रों के साथ सभा में बैठे थे वहाँ पर एक ब्राह्मण आया जिसका नाम था तपन मिश्र। तपन मिश्र बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ाई किया था। ऐसा कहा गया कि बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्त भ्रम है साध्य साधना कभू न है निश्चय। जब व्यक्ति बहुत ही पढ़ लिया है उसकी माइंड डिस्टर्ब हो गया ऐसा लिखा है और साध्य साधना उसको तय नहीं कर पाए तो बहुत शास्त्र पढ़ने के बाद में उनको निष्कर्ष नहीं मिला कि उनको क्या करना चाहिए उनकी जीवन की ध्येय क्या है। तो एक परेशान होकर उन्होंने नवद्वीप से गया किस कारण आए थे तो उस समय उनको पता चला कि निमाई पंडित वहाँ पर आए हुए हैं। स्वप्न में एक देवता उनको बताया कि तपन मिश्र आपको डिस्टर्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर एक बहुत विद्वान बड़ा विद्वान व्यक्ति जिसके नाम निमाई पंडित यहाँ पर आया हुआ है अगर उनके पास आप जाते हो तो आपकी जो कमियाँ हैं वो पूर्ण हो सकता है। तो तपन मिश्र जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में लीला कर रहे थे आए उनको दंडवत प्रणाम किया और उनको कहा कि मुझे स्वप्नादेश हुआ है आप मेरे गुरु बनिए और मुझे उपदेश दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र को कुछ शब्दों में कहा आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए कलियुगे धर्म हय नाम संकीर्तन कलियुगे धर्म हय नाम संकीर्तन चारि युगे चारि धर्म
বেদের কারণ। সমন ফুড প্লেয়ার মৃদঙ্গ সমন ফুড প্লেয়ার নাইস এনিমান হু টু তাল ভেরি নাইসলি ইউ ক্যান প্লে ওকে প্লিজ ফলো মি। কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন, কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন, চারি যুগে চারি ধর্ম বেদের কারণ, চারি যুগে চারি ধর্ম বেদের কারণ, অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার, অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার, আর কোন ধর্ম কইলে না হইতে পার, আর কোন ধর্ম কইলে না হইতে পার, রাত্র দিন নাম লয় খাইতে শুইতে, রাত্র দিন নাম লয় খাইতে শুইতে, ইহার উপমা বেদ নাহি পারে দিতে, ইহার উপমা বেদ নাহি পারে দিতে, শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যোগ, শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যোগ, যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য, যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য। কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হয় সর্বজগত নিস্তার। তপন মিশ্রক ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু নে আদেশ দিয়া কি কলিযুগ মে এসব পড়াই করনা এ উচিত নহি হে, আপ কৃষ্ণ মন্ত্র কা আশ্রয় লেনে সে উস মন্ত্র কি মাধ্যম সে আপ সব কুছ প্রাপ্ত কর সকতে হো। ইস প্রকার সারল সূত্র মে বতায়া কি কিস প্রকার কৃষ্ণ মন্ত্র প্রভাবশালী হে, আর কলিযুগ মে যো ব্যক্তি ভগবান কৃষ্ণ কা নাম কা জপ করতা হে উসকি ভাগ্য কা সীমা কল্পনা নহি কিয়া যা সকতা, আর কলিযুগ হরি নাম কি মহিমা বেদো মে বর্ণিত নহি কিয়া যা সকতা, উসকি ইতনি মহিমা হে হরি নাম কা ভগবান কৃষ্ণ কা নাম কা, ইসিলিয়ে তুম পড়াই কি চক্কর ছোড়ো আর নাম কি চক্কর মে পড়ো, তব তুমারি বুদ্ধি ঠিক হো যায়গি। তা উসনে কিউকি দেবতা নে উসকো বতায়া থা পিছলে রাত কো স্বপ্ন মে, উসকো শিরোধার্য কিয়া আর কাহা কি আব বোলিয়ে আবি মুঝে ক্যা করনা হ্যা, আপ ইতনি বিদ্বান ব্যক্তি হো, আপ ইতনি সাধু পুরুষ হো, মে আপকে সাথ আনা চাহতা হুঁ, মুঝে আপকে সাথ আনে কে লিয়ে আপ মুঝে ইজাজত দিজিয়ে। তো নিমাই পণ্ডিত নে কাহা মে তো নবদ্বীপ তো চলুঙ্গা, মুঝে কুছ কাম কে লিয়ে ইহাঁ পর আয়া থা, ফির মে নবদ্বীপ চলুঙ্গা মেরে ঘর, লেকিন আপ ইহাঁ সে আপ নবদ্বীপ চলনা আপকে লিয়ে ঠিক নহি হে, আপ বনারস চলে যাইয়ে ওহাঁ পে আপ হরি নাম কা জপ কিজিয়ে, কুছ আপ ইতনি পড়ে লিখে কুছ ব্যাপার কিজিয়ে, থোড়ে সময় কি বাত মে আপকো বনারস মে ফির সে মিলুঙ্গা।
उनको पता नहीं था कि निमाय पंडित बाद में संन्यास लेके जाने वाले हैं। तो तपन मिश्र वहाँ पर गए और बनारस गए, कुछ उन्होंने व्यापार किया, हरिनाम का जप किया। अंतिम समय भगवान जब संन्यास लेके वाराणसी गए तो उनके घर में रुके और बहुत सारे उनको ज्ञान बताया। और तपन मिश्र अंतिम समय में भगवत धाम लौट गए क्योंकि उन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया। तो अब जिस प्रकार रहुगुण को थोड़ी अहंकार था कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं राजा हूँ, तो अहंकार सबसे बड़ी भक्तिमय जीवन में अहंकार सबसे बड़ी घातक होता है। अहंकारे मत होया नीताई पद पासोरिया, अहंकारे असत्य रे सत्य करी मानी, असत्य रे सत्य करी मा नीताईर करुणा होबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, नीताईर धरनीताईर चरण दुखानी, धरनीताईर चरण दुखानी, नीताईर चरण सत्य तार से बक नित्य, नीताईर नीताई पद सदा कर आस, नीताई नरोत्तम बड़ दुखी, नीताई मोरे कर सुखी, नरोत्तम रखरांगा चरणेर पास, रखरांगा चर अहंकारे मत होया, क्योंकि उसको बड़े अहंकार था। नरोत्तमदास ठाकुर ये बहुत, नरोत्तमदास ठाकुर जो लिखा है भजन से, ये हृदय को स्पर्श करने वाले लिखा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भजन लिखा है लाठी में मारने की जैसा लिखा है, दोनों के बीच में थोड़ा अंतर है। नरोत्तमदास ठाकुर विशेष रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुआ था, केतुरी गांव में जब भगवान पिछले दिनों में गए थे तो भगवान की प्रेम सब उनको मिल गया था, पद्मा नदी की जो पद्मा नदी में जो भगवान छुपा के रखे थे, इसीलिए उस प्रकार उन्होंने भजन लिखा। तो ये जो व्यक्ति था रहुगुण अहंकारी था, अपने आप कितनी बड़े राजा मान रहा था, तो उन्होंने जड़ भरत को बहुत डांटा। इसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसको थोड़ा, उनको समझ लगा कि ये व्यक्ति जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भले मेरी मतलब पालकी को ढो रहा है लेकिन व्यक्ति विद्वान व्यक्ति है, आत्मसाक्षात्कार व्यक्ति है, ये तो मैंने बड़े गलत कर दिया। इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य नवद्वीप में रह रहे थे वहाँ पे एक बड़ी अहंकार व्यक्ति था, काजी, क्या नाम था उसका, काजी। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही कीर्तन शुरुआत कर दिया था, जन्म होने के बाद ही उसकी कीर्तन शुरुआत हो गया था, क्योंकि भगवान की जो जन्म हुआ था केवल नाम का प्रचार करने के लिए। कृष्ण नाम प्रवताई मु नाम संकीर्तना,
कृष्ण नाम प्रवताइमो नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नचामु भुवन चारि भाव भक्ति दिया नचामु भुवन आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकार आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकार आपनिया चरि भक्ति सिखामु सवार आपनिया चरि भक्ति सिखामु सवार आपना ना कोइले धर्म सिखाना ना जाय आपना ना कोइले धर्म सिखाना ना जाय तो सिद्धांत गीता भागवते कहो सिद्धांत गीता भागवते कहो युग धर्म प्रवताइमु हय अंश होते युग धर्म प्रवताइमु हय अंश होते आम बिना कोनो नारे ब्रज प्रेम दीते आम बिना कोनो नारे ब्रज प्रेम दीते युग धर्म प्रवताइमु नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नचामु भुवन मैं कलयुग में अवतरण लूंगा युग धर्म प्रचार करूंगा युग धर्म प्रचार करूंगा युग धर्म प्रवताइमु नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नचामु भुवन चार प्रकार की भक्ति मैं दूंगा लोग को बांटूंगा फ्री में बांटूंगा और सारे संसार के लोग को नचाऊंगा केवल भारत का नहीं संसार के लोग को नचाऊंगा मैं अपने करीबु भक्त भाव अंगीकार भगवान कृष्ण बोल रहे कि मैं भक्त की भाव अंगीकार करके इस पृथ्वी लोक में आऊंगा फिर क्या करूंगा अपनी आचरी भक्ति सिखाऊं सवार मैं खुद की जीवन में आचरण करूंगा और सबको सिखाऊंगा भक्ति कैसे करना चाहिए तो भगवान की भक्ति तो बहुत ही गहरा था और कहा कि अपना ना कोइले धर्म सिखा ना ना जाय यही तो सिद्धांत गीता भागवते कहो अगर मैं नहीं सिखाऊंगा कौन सिखाने वाला ऐसा जो गीता भागवती सिद्धांत को अगर मैंने नहीं सिखाऊंगा फिर कौन सिखाने वाला है युग धर्म प्रवताइमु हय अंश होते मैं अंश बनकर आऊँगा भूति संसार में हय अंश होते आमो बिना कोनो नारे ब्रज प्रेम दीते मेरे अलावा इसी संसार ऐसा कौन व्यक्ति जो ब्रज की प्रेम को दे सकता है हा कृष्ण की करी उपाय हा कृष्ण की करी कहाँ करो कहाँ जाओ कहाँ गले कृष्ण पाओ कहाँ करो कहाँ जाओ कहाँ गले कृष्ण पाओ कृष्ण बिना प्राण मर जा कृष्ण बिना प्राण मर जा मते गौर विषद करे हाय हा मते गौर विषद करे हाय हा हा कृष्ण
তুমি গেলা কতি হা হা কৃষ্ণ তুমি গেলা কতি গোপী ভাব হৃদয়ে তার বাক্য বিলাপয়ে গোপী ভাব হৃদয়ে তার বাক্য বিলাপয়ে গোবিন্দ দাম দর্মাধবে গোবিন্দ দাম দর্মাধবে তো ভগবান কি ভাব এসা থা ভগবান হর সময় কৃষ্ণ কো ঢুঁড় রে থে কাহা আমার কৃষ্ণ কাহা যাও কাহা পাও কাহা জানে সে কৃষ্ণ মিল যায়গা কাহা সে কৃষ্ণ ভগবান যাও আঠানালা মে থে কম সে কম এক কিলোমিটার দূর হে নীল চক্র কো দেখ লিয়া লগা কি মুঝে শ্যাম সুন্দর মিল গিয়া এইসা দৌড়ে কি কই গাড়ি ভি ইতনি তেজি সে ভাগনে সে ইতনি তেজি সে ভাগ রে থে ভগবান আর কাহা রুকে আঠানালা সে দৌড়না শুরুয়াত কিয়া যাকে গিরা বেদী মণ্ডপ মে যা জগন্নাথ জি রহ রে তো পণ্ডিত লোগো নে থাকা থকে হুয়ে থে তো পসিনা বহ রা থা শরীর কপড়ে ভিগ গয়া থা তো পণ্ডিত লোগো লাগা কি এই ব্যক্তি সন্ন্যাসী তো হ্যাঁ লেকিন উসকো ব্রেন মে কুছ হো গয়া হ্যায় উস তরহ আপকো আগে কি এপিসোড পতা হ্যায় তো ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু জব কাশী গুরু কি কৃপা লেকে জব গয়া সে লৌট গে উনকি শরীর মে ভক্তি কি ভাব প্রকট হুয়া আর উন্নে নবদ্বীপ মে নাম কি প্রচার শুরুয়াত কিয়া শ্রীভাস ঠাকুর কি ঘর সে তো উনকি অন্তরঙ্গা পার্ষদ কি সাথ জব ইস প্রকার কি নাম সংকীর্তন কর রে থে ধীরে ধীরে মায়াপুর কি গাঁও বালে কুছ কর্মকাণী ব্রাহ্মণ লোক বিরোধ কিয়া ইসকে বাদ নবদ্বীপ বালে যো কুলিয়া গাঁও হে উসকো লোগো নে বিরোধ কিয়া উসি সময় মে নবাব হুসেন সাহা যো বেঙ্গল আর ওড়িশা কি রাজা থা উন্নে কাজি ম্যাজিস্ট্রেট কো আদেশ দিয়া থা কি মেরে রহনে সে ইয়া নহ রহনে সে আপকো বেঙ্গল কি যো ম্যানেজমেন্ট আপকো দেখনা হ্যায় তো কুছ লোগো নে যাকে শিকায়ত কিয়া কাজী সে কি এই যো নিমাই পণ্ডিত আয়া হ্যায় ও ক্যা ক্যা কহ রা কি কেবল হরি নাম কা জপ করনে কা বাকি কুছ করনে কি আবশ্যকতা নেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর তুমি সর্বতীর্থ স্নান কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর তুমি সর্বতীর্থ স্নান কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর তুমি জপ যজ্ঞ দান কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর তুমি জপ যজ্ঞ দান বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম বলো কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ কৃষ্ণ করো তুমি সর্বোচ্চ স্নান কৃষ্ণ কৃষ্ণ করো তুমি জপ যজ্ঞ দান যো কুছ ভি করনা হ্যায় আপ ভগবান কৃষ্ণকে লিখিজিয়ে কেউ কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ তো সব লোক কই দুর্গা কই কালী কই চণ্ডী কই দেবী কো পূজা কর রে থে নিমাই পণ্ডিত নে কাহা কি কিছু কি পূজা করনে কি জরুরত নাই কেবল আপ ভগবান কা নাম কা জপ করো তো সব লোক নে কিয়া আরে তুম 10 সাল কা অভি কা বচ্চা হ্যায় ব্রাহ্মণ পরিবার মে জন্ম লিয়া কিয়া তুম ইতনি বড়া হো গয়া সবকো উপদেশ দেনে কি লায়ক হো গয়া হাম গাঁও কি বুজুর্গ ব্রাহ্মণ হ্যায় হামকো উপদেশ দেতা হ্যায় কি কৃষ্ণ কা নাম জপ করনা কুছ করনে কি আবশ্যকতা নেই লেকিন এ তো বহুত এডমেন্ট থা নিমাই পণ্ডিত বেশি চল রা থা উনকি নাম সংকীর্তন চল রা থা আর পুরে গাঁও মে প্রচার নবদ্বীপ মে প্রচার কর রে থে কি কৃষ্ণ কা নাম কা জপ করনে কো ফির সব মিল যায়গা কলি কালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার নাম হয়তো হয় সর্ব জগত নিস্তার নাম বিনু কলি কালে নাহি আর ধর্ম সর্বমন্ত্র সার নাম
यही शास्त्र मन कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार कली काले नाम रूपे कृष्ण अब नाम होते हय सर्व जगत निस्तार नाम होते नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। इस प्रकार निमाई पंडित प्रचार करके निमाई आगे नवदीप में चल रहा था तो कुछ ब्राह्मण लोगों ने जाके काजी से शिकायत किया, ये जो निमाई पंडित है थोड़े समय की बात ये जो नवदीप शहर को कृष्ण भावनामृत में बदल देगा, क्योंकि आप मुसलमान राजा हो आप कुछ कीजिए। तो काजी सोचा कि ये तो ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। पहले काजी नहीं आया, पहले काजी के असिस्टेंट को भेजा, बोला जाओ निमाई पंडित की जितने भी पार्षद है कोई भी व्यक्ति वैष्णव है सिक्का रखा होगा तिलक लगा कंठीमाला पहना होगा करता से का नाम कृत क्या रहेगा तो क्या करने का बंद कर देने का उसको और मेरे पास लेके आने का, उसको जेल में रख दूंगा मैं, आजीवन कारादंड दे दूंगा। तो कुछ मुसलमान सिपाही लोग आए, भगवान के नाम कीर्तन कई स्थान में चल रहा था, भगवान कहीं भी जाते थे नाम कीर्तन करके जाते थे। तो जो पहले मुसलमान लोग आए उनकी दाढ़ी मूछ जल गया, आग की बरसात हुआ, कीर्तन को बंद करने के लिए आए। दोबारा जब मुसलमान लोगों ने आए उनको लगा कि किसने आग लगा के रखा है, पूरे कपड़े के साथ जल गए लोग। तो दौड़ के भाग के गए और काजी को बताया कि ये जो निमाई पंडित है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और हम गए थे उनकी कीर्तन को रुकाने के लिए, देखो हमारी हालत क्या हो गया, शरीर जल गया था पूरा। तो काजी थोड़ा सावधान हो गया, आप सोचा भी फिर क्या करना किया जाए। तो निमाई पंडित का कीर्तन चल रहा था, दोबारा शिकायत किए ब्राह्मण लोगों ने कि ये तो पूरे कोलाहल मचा दिया, पूरे गांव में खुलेआम नाम संकीर्तन कर रहा है और कह रहा है कि सब कृष्ण हैं, सब पूरी संसार कृष्ण का है, तुम कृष्ण का हो, तुम देवी का सेवा क्यों करते हो, इस काली का पूजा क्यों करते हो, जरूरत नहीं किसी की पूजा करने की, तुम कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण के नाम लो। इस प्रकार जब हंगामा मच गया था नवद्वीप में, दोबारा ब्राह्मण लोगों ने जब शिव शिकायत करने के लिए काजी को गया तो काजी सोचा कि मुझे खुद कुछ स्टेप उठाना होगा। तो खुद आया शिवा ठाकुर के घर पर, सुबह की समय था, निमाई पंडित स्नान करने के लिए गंगा में चले गए थे और जो बाकी उनके पार्षद थे वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे। आके देखा, पहले जब आया तो अभी जो दीवार बनाया गया ईंट का जो दीवार है वो बाद में बनाया, पहले बम्बू स्टिक का ये था बाउंड्री, तो उसको एक लात मारा, मारने के बाद तोड़ दिया। वो राजा था, वो बहुत अहंकारी था, तो आके देखा कि ये भक्त लोग कीर्तन कर रहे, पकड़ा मृदंग को पकड़ के तोड़ दिया, बोला आप करके दिखाओ। बोला मूर्ख लोग, पूरे नवद्वीप में हंगामा मचा के रखा है, किधर है तुम्हारा निमाई पंडित? निमाई पंडित के नाम पे बहुत सारे शिकायत आया, लेकिन मैंने अपनी सैनिकों को भेजा था, सैनिकों ने नाकाम हो गया, कामाब नहीं हो पाया, आप तो मैं खुद आया हूँ, दिखाओ तुम्हारा निमाई पंडित कहाँ है, कहाँ गया तुम्हारा निमाई पंडित? आज से नवद्वीप में कोई कीर्तन नहीं करेगा, अगर कोई कीर्तन किया मैं सुनने में आया उसका घर उजाड़ दूंगा, उसको नदी में बहा दूंगा,
उसकी संपत्ति लूट लूंगा और कुछ रहेगा सब उखाड़ कर मैं गंगा में डाल दूंगा, नाम निशान मिटा दूंगा जो व्यक्ति हरि नाम का कीर्तन करेगा। शट अप काजी, ऐसा डांट के गया हो तो ये सब डरिए, अभी वैष्णव थे आप क्या करें, कीर्तन बंद कर दिया। शाम को आया तो पूरा वातावरण शांत था। श्रीवास, ओ श्रीवास, क्यों कीर्तन बंद किया? तुम्हारी घर आज उदास लग रहा है, क्या हुआ? तो श्रीवास ठाकुर ने पूरी वृत्तांत बता दिया। काजी आया था, मृदंग को तोड़ दिया, प्रभु अभी कीर्तन कहाँ करेंगे? बोलते ऐसा, काजी का यही हिम्मत, मृदंग तोड़ दिया, देख लूंगा मैं काजी को। अगर सामने रहता था दो तार झापड़ देता था उसको कसकर, लेकिन मूर्ख चला गया तोड़कर। तो बोले ऐसा करो, जाओ पूरे नवद्वीप में, सबको कहो पूरे रात को कीर्तन करना है, पूरे रात सोने का नहीं, कीर्तन करने का, देखता है काजी क्या कर सकता है। तो शिवा ठाकुर, हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु सब गए नवद्वीप में, कहा कि आज रात को अष्ट प्रहर, मतलब 3 घंटे का प्रहर होता है, 12 घंटे का, चार प्रहर कीर्तन होगा, आप लोग सब आइए। ऐसा कहा गया कि लाख लोग जमा हो गए, 1 लाख 1 मिलियन, सब कृष्णा कविराज गोस्वामी लिखते कि लाख लोग, वृंदावनदास ठाकुर लिखते कि 1 मिलियन, 10 लाख लोग थे उसी कीर्तन में। 10 लाख लोग मिलकर पूरे नवद्वीप में 7 ग्रुप, 3 ग्रुप बनाए थे भगवान, एक ग्रुप में हरिदास ठाकुर को दिया था लीड करने के लिए, दूसरे ग्रुप में अद्वैत आचार्य थे, तीसरे ग्रुप में जो लास्ट वाला ग्रुप था उसमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों नाथ से थे। ऐसा करते हुए पूरे रात कीर्तन किया, कीर्तन कर रहे थे 8 किलोमीटर दूर पर आवाज आ रहा था कान में काजी मुस्लिम का। तो काजी मुस्लिम डर गया, जब उसकी द्वार पर पहुंचे, सब लोगों ने, लाखों संख्या में लोग थे, जब द्वार पर पहुंचे बहुत गुस्से में थे, मार दो मार दो काजी को, मार दो काजी को, मार दो मार दो काजी को, ऐसा आवाज कर रहे थे। सब देश देश कर दिया, उसके सामने बगीचा बनाया था काजी ने, वो क्या बैठने के लिए, उसकी जो घर का सामने था ना वो गार्डन, गार्डन बनाया था, देश देश कर दिया सब, दरवाजा तोड़ दिया, दरवाजे से निमाय पंडित बैठा बोला एक, चलो काजी को बुलाओ, किधर है काजी? तो अंडरग्राउंड में छुपाए हो, आप क्या करें? सब उनकी सिपाही लोग को, जिस सिपाही को देखा उनको मारा पकड़ कर, जिस सिपाही जो था ना गेट पे काजी का, दो तार झापड़ दिया, किसको पंच दिया, किसको लाठी में दिया मारा, सबको भगा दिया। बाकी जो अंदर एकदम डे, चल काजी को बुला, बुला तेरे काजी को, बुला तेरे काजी को, क्या तुझे पागल समझता है? तो काजी काँप रहा था, अरे तो बड़ी तो समस्या हो गया है, मैंने मृदंग तोड़ दिया करके इतना, ये भी तो उस मार, इतने लाख लोग मेरे साथ में, मेरे घर के सामने आया, मेरे बगीचे को तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया। तो आया बोला, कहा निमाय पंडित, आप भद्र व्यक्ति हो और आपकी जो नाना है ना नीलांबर चक्रवर्ती, मेरे रिश्तेदार में मुझे भाई जैसा लगता है, उसके ऊपर उनकी जो बेटी है शशि माता वो मेरे बहन है, तो आप मुझे क्या लगते हो? भांजा, कभी कभी मामा गलती करने से भांजा को माफ़ करना चाहिए और भांजा गलती करने से मामा को माफ़ करना चाहिए। आप तो निमाय पंडित बहुत गुस्से में था, उनको पहले पूछा कि तुम मुसलमान भाई लोगों ने क्या खाते हो? क्या क्या? हम अन्न खाते हैं। अन्न कहाँ से आता है? जमीन से आता है। कौन उगाता है? बैल। अरे बैल जब तुम्हारे जमीन को उगाता है, तुमको खाना देता है, बैल तुम्हारा बाप है, मूर्ख उसको मार के खाता है। फिर पीता क्या है? मुझे पानी। और क्या पीता है? दूध। दूध कहाँ से आता है? गाय से। गाय गाय से दूध आता है ना। मूर्ख माता का गाय पीता है, दूध का गाय पीता है, तो क्या अंतर है? तो फिर तुम गाय को मार के क्यों खाता है?
इस प्रकार बहुत तो दोनों के बीच में बहुत तर्क वितर्क हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे जो शास्त्र लिखा है कुरान में दो प्रकार की मार्ग लिखा है, वो भी जो प्रवृत्ति मार्ग में है उनको इजाज़त दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत तो मेहनत करने के बाद में दिया गया। ऐसा है कि खुलेआम कोई व्यक्ति मांस नहीं खा सकता है, कोई अमावस्या का रात होगा, एक रात अंधेरा होगा और कहेगा कि हे जानवर मैं तुमको मार रहा हूँ, अगला जन्म में तुम मुझे मार के खाना, ये उसकी क्राइटेरिया है। और तुम तो मुसलमान लोग खुलेआम मांस खा रहे हो, गाय को काट रहे हो। इस प्रकार कहा कि मेरे शास्त्र में जो लिखा है वो गलती लिखा है, मैं मानता हूँ। और मुझे सपना जैसा हुआ कि आप कोई भगवान की अवतार है। इसके बाद में काजी ने बताया, आई कैन स्पीक मोर फाइव मिनट, काजी ने बताया कि आप मुझे आपका जो मृदंग मैंने तोड़ के आ गया, और मैंने रात को सोया था, फिर आधे रात को एक जानवर मेरे रूम पे अचानक आ गया जिसकी शरीर मनुष्य का था और जो सर उसकी सिंह का था, शेर का था, और उसने मेरे सीने पे बैठ गया, इस प्रकार कहा, मूर्ख काजी तूने मृदंग तोड़ दिया, अभी तेरे सीना नहीं फाड़ूंगा। क्यों? मेरे भक्त को तूने अपघात नहीं किया। अगर किसी दिन तूने मेरे कोई भी भक्त को अपघात किया तेरे सीने फाड़ दूंगा। तो पसीना पसीना हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ, राधे रात को कौन बचने वाला, सब तो योगी निद्रा में सोए हुए। तो नरसिंह भगवान वहां पर उसके ऊपर बैठ गए थे, उसकी पंजा उसकी छाती पे पूरा पास नाखून छाती पे मतलब निशान हो गया था, छाती में दब गया था। बाद अपनी उता कमीज जो पहना था उसको उतार के दिखाया, देखो ये निशान है। वो कहा कि जो व्यक्ति रात को आया था वो व्यक्ति नारायण था, नारायण था, और तुम वही नारायण हो, मैं तुमको दंडवत प्रणाम करता हूँ। फिर कहा कि इसकी आगे नवद्वीप शहर में नदिया डिस्ट्रिक्ट में कोई भी व्यक्ति नाम संकीर्तन को कोई अपघात नहीं करेगा। हरि बोल। फिर उन्हें खुलेआम नाम संकीर्तन किए। तो ये जो रहुगुण की कथा हम अभी सुन रहे हैं, ये भी एक अहंकारी व्यक्ति था, लेकिन भगवान जड़भरत की कथा से वो समझ गया, और काजी भी इस प्रकार अहंकारी व्यक्ति था, बाद में वो भी समझ गया कि ये व्यक्ति स्वयं भगवान है। और तो भगवान ने कहा कि आपने कितने बार जो कृष्ण का नाम महामंत्र का कृष्ण का नाम जप किया, नारायण बोल दिया, इसलिए तुम्हारी सारे पाप नष्ट हो गया। काजी को भगवान ने इस प्रकार बोले थे। तो इस कथा में ऐसा उसकी सारांश ऐसा है कि व्यक्ति को गुरु के पास जाके जिज्ञासा करना चाहिए और गुरु को प्रश्न पूछना चाहिए। अगर गुरु की आज्ञा हमने जीवन भर पालन कर लिया, हमारी जीवन सफल हो जाएगा, ये इसकी कहना है। हरे कृष्ण। राधा कृष्ण प्राणम रज गुल की सर, या गौरांग महाप्रभु का गाना है तो गा सकते हैं। गौरांग बोलते हुए पुलक से रोग आए भारी मुनियम गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयने बाबे नीर
गौरांग बोलीते पुलक गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलीते नयने बाबे नीर गौरांग আর কবে নিতাই চান্দে করুণা হইবে সংসার বাসনা মোর কবে তুছ হবে আর কবে নিতাই বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম হে রিব শ্রীবৃন্দাবন বিষয় ছাড়িয়া রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি কবে হাম বুঝা বসে যুগল পিরিতি রঘুনাথ পদে রহু মোর আস প্রার্থনা করি সদা নরোত্তম দাস রূপ রঘুনাথ রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আস প্রার্থনা করি সদা নরোত্তম দাস রূপ রঘুনাথ গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর হরি হরি বলিতে নয়নে বাবে নীর গৌরাঙ্গ Ah
कबे निताई चांदे करुणा होइबे संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे आर कबे रंग बोलते हवे पुलक हरीर हरी हरी को नीते नयने बाबे नीरा